नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। आरएसपी की नई प्लेट मिल ने एक दिवसीय रोलिंग में नया कीर्तिमान बनाया। राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा विभागों एवं व्यक्तियों को सृजनी पुरस्कार प्रदान। और एचआरडीसी में प्रबंधन विकास कार्यक्रम एक आयोजित। अब समाचार विस्तार से। अपने कीर्तिमान को जारी रखते हुए राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी की नई प्लेट मिल ने एक दिवसीय स्लैब रोलिंग एवं प्लेट निर्माण में नए रिकॉर्ड बनाए। मिल ने 18 अगस्त को 3691 टन स्लैब बनाए, जो कि उसकी स्थापना से अब तक के सर्वाधिक उत्पादन है। इसके साथ ही मिल ने 28 जुलाई को 3601 टन स्लैब का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अश्विनी कुमार द्वारा कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री शुभेंद्र दास ने 19 तारीख सुबह को मिल जाकर मिल के कर्मी समूह को इस उत्पादन में निरंतर प्रगति के लिए बधाई दी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कर्मचारियों को सामरिक पहल से प्रदर्शन में लंबी छलांग के लिए प्रेरित किया। यह उल्लेखनीय है कि जुलाई 2017 में मिल ने 78,254 टन स्लैब का सर्वाधिक उत्पादन किया। इसी महीने में मिल ने 94% क्षमता का प्रयोग कर 70,367 टन प्लेट बनाया। यह पहले के 61,547 टन से 14.3% अधिक था। इसी जुलाई के महीने में मिल ने 13,172 टन सीई मार्क प्लेट को प्रतिस्पर्धी यूरोपीय बाजार में निर्यात कर आरएसपी का एक स्थान बनाया। इसके अलावा इसी माह में 30,398 टन का उच्च टेंसाइल प्लेट निर्यात किया गया। यह नई प्लेट मिल आरएसपी के विस्तारण एवं आधुनिकीकरण के तहत बनाई गई है तथा वह 90% क्षमता का प्रयोग कर रही है और शीघ्र ही 100% क्षमता प्रयोग प्राप्त करना चाहती है। अब मूल्यवान इस्पात बनाने पर मिल का जोर है, जिससे निहित बाजार में बिक्री कर ज्यादा एनएसआर हासिल किया जा सके। राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए सृजनी सृजनशील योजना के तहत श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने वाले विभागों के साथ साथ व्यक्तिगत कर्मचारियों को 16 अगस्त 2017 को सिविक सेंटर में आयोजित एक विशेष पुरस्कार वितरण समारोह में सृजनी पुरस्कार प्रदान किया गया। आरएसपी के सीईओ श्री अश्विनी कुमार इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। दीपिका महिला संघति की अध्यक्षा श्रीमती सविता कुमारी, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी के प्रधान, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एस दास, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री पी साहू, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री आर अग्रवाल, दीपिका महिला संघति की सभी उपाध्यक्षाएं श्रीमती मीनाक्षी प्रधान, श्रीमती रूना दास, श्रीमती ज्योतिमयी साहू, श्रीमती रेखा अग्रवाल, महाप्रबंधकों, विभागाध्यक्षों, वरिष्ठ अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं उनके परिवार सदस्यों ने भी इस अवसर पर भाग लिया। वर्ष 2016-17 के लिए सृजनी रोलिंग ट्रॉफी हॉट स्ट्रिप मिल विभाग को प्रदान किया गया। विभाग की ओर से उप महाप्रबंधक हॉट स्ट्रिप मिल ऑपरेशन श्री पाल कृषि मुरली के नेतृत्व में कार्मिकों की टीम ने यह ट्रॉफी प्राप्त की। द्वितीय श्रेष्ठ विभाग के लिए सृजनी रोलिंग ट्रॉफी ईआरडब्ल्यू पाइप प्लांट को प्रदान किया गया, जिसे उप महाप्रबंधक प्रभारी पाइप प्लांट श्री आशीष चक्रवर्ती एवं उनकी टीम ने ग्रहण किया। सृजनी तृतीय श्रेष्ठ ट्रॉफी स्टील मेल्टिंग शॉप एक को दिया गया। उप महाप्रबंधक प्रभारी स्टील मेल्टिंग शॉप एक मैकेनिकल श्री किशोर
कुमार मजूमदार के नेतृत्व में कार्मिकों के टीम ने यह ट्रॉफी प्राप्त की। हॉट स्ट्रिप मिल के वरिष्ठ तकनीशियन श्री देवाशीष सतपथी ने सबसे अधिक संख्यक कार्यान्वित सुझावों के लिए इस वर्ष का श्रेष्ठ सुझावकर्ता पुरस्कार जीता। उन्हें 12,450 रुपए का नकद पुरस्कार तथा योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। चार कर्मचारियों को द्वितीय श्रेष्ठ सुझावकर्ता पुरस्कार प्रदान किया गया। इनमें से प्रत्येक को 5,450 रुपए नकद पुरस्कार एवं एक योग्यता प्रमाण पत्र दिया गया। इन कर्मचारियों में शामिल है श्री प्रफुल्ल कुमार पात्र, सहायक रोलर एचएसएम ऑपरेशन श्री मनोज कुमार प्रधान, वरिष्ठ तकनीशियन ईआरडब्ल्यूपीपी मैकेनिकल श्री वेणुधर नायक, वरिष्ठ तकनीशियन एचएसएम इलेक्ट्रिकल एवं श्री नलिनी कांत पंडा, वरिष्ठ ऑपरेटिव सह तकनीशियन सेंटर प्लांट दो। उल्लेखनीय है कि सृजनी आरएसपी के सृजनशील पुरस्कार योजना का शुभारंभ वर्ष 1989-90 में हुआ था। सृजनी राउरकेला स्टील प्लांट के कर्मचारियों की अभिनव एवं उद्यमशील दक्षताओं का प्रदर्शन कराता है, जिससे इसके निष्पादन एवं उत्पादन में सहयोग मिलता है। एचआरडी केंद्र में 10 से 12 अगस्त तक प्रबंधन विकास कार्यक्रम एक पर एक 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाप्रबंधक एचआरडी डॉक्टर सुमित दत्ता ने समापन सत्र की अध्यक्षता की एवं प्रतिभागियों को कोर्स सर्टिफिकेट का वितरण किया। आरएसपी के विभिन्न विभागों से कुल 17 फ्रंटलाइन अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। सत्र के दौरान वरिष्ठ प्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री आर के लेंका ने व्यापार परिदृश्य एवं भविष्य की चुनौतियां, प्रबंधक इंस्ट्रूमेंटेशन श्री ए आर शर्मा ने फ्रंटलाइन अधिकारियों की भूमिका, उप महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री एस पंडा ने प्रभावी संचार, सहायक महाप्रबंधक एसएमएस दो श्री ए महांती ने योजना आयोजन एवं समय प्रबंधन, वरिष्ठ प्रबंधक सीएसआर श्रीमती आनंदिता महापात्र ने नवीनीकरण एवं सृजनशील विषयों पर जानकारी दी। व्याख्यान सत्र के बाद बेहतर जानकारी हेतु ग्रुप परिचर्चा, अनुभवों का आदान प्रदान, इंडोर विजुअल प्रबंधन खेल का आयोजन किया गया। कनिष्ठ प्रबंधक एचआरडी श्री एस के बेहरा ने एचआरडी के एसएसडब्ल्यू श्री डीसी गौड़ के सहयोग से कार्यक्रम का संचालन किया। और इसी के साथ ही रविवार के हिंदी समाचार का ये प्रसारण ही समाप्त होता है। नमस्कार।